नमस्कार राधे राधे सभी कृष्णवास को। तो ये है मेरे कन्नू के बर्थडे गिफ्ट्स का सेकंड पार्ट, जो कि पिछले पार्ट में भी एक गिफ्ट स्किप हो गया क्योंकि ध्यान नहीं रहा, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो शुरू करूंगी मैं, आप अंत तक देखें। और एक ये था, ये मोरपंख बड़ा सुंदर सा था, तो ये तो मेरे कन्नू ने आते ही मतलब इसको लगा लिया। और मैं सोच रही थी कि कन्नू का मोरपंख लगाती, लेकिन घर के सारे उन्होंने खो दिए जितने भी थे, बट उनको नील भाई का लाया हुआ लगाना था। तो ये एक मोरपंख भी था जो मैं दिखाना भूल गई थी आपको, तो मैं अभी दिखा रही हूँ। नमस्कार राधे राधे सभी कृष्णों, इसको मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अविश्वास में अपने कन्नू नानू के साथ। तो आप सभी से आज मैं एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे कन्नू का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, अभी तक आपने उनका पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू देख ही लिया होगा कन्नू के साथ, कन्नू के सभी फ्रेंड्स ने, जिसने भी बर्थडे पार्टी ज्वाइन की थी सभी ने बहुत इंजॉय किया, सभी को बहुत 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 मजा आया। उसी के साथ साथ आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने गिफ्ट वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कि पार्ट वन आपके पास आ चुका है और पार्ट टू अभी तक नहीं आया है। तो आज मैं वही पार्ट टू लेकर के आपके साथ में फिर से आई हूँ, आपके साथ फिर से आई हूँ उस वीडियो को शेयर करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो एक गिफ्ट जो आया था वो ये है, ये एक ब्लैंकेट और बुन के, एक आंटी है वो मोमडन है, बट हाँ उन्होंने बुन के दिया है कन्नू नन्नू का गिफ्ट। कन्नू नन्नू के बर्थडे पार्टी में उनको बुलाया था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाई क्योंकि न्यू ईयर था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं नॉनवेज खा लिया था। और जैसे कि उनको पता है कि कन्नू नन्नू का घर ये है, तो कन्नू नन्नू के घर में नॉनवेज खा के नहीं आना, तो उन्होंने उस दिन ना आकर के वो सेकेंड डे आए थे। तब ये प्यारा सा ब्लैंकेट उन्होंने बुन करके दिया था कन्नू नन्नू के लिए, काफी बड़ा है। और वुलन मेरे पास थी, लेकिन उन्होंने बुना, इनके लिए इतना प्यार दिखाया वही बहुत है मेरे लिए कि टाइम उन्होंने दिया। सेम वुलन मेरे पास तो वेस्ट ही पड़ा था, तो उन्होंने बुन दिया बैठे बैठे कि आए हैं कन्नू की बर्थडे पार्टी करने, तो गिफ्ट तो लाए नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप गिफ्ट नहीं लाए तो आप ये कीजिए, तो उन्होंने ये किया कन्नू के लिए। तो एक सुंदर सा ब्लैंकेट उन्होंने बुना, और उसके साथ साथ उन्होंने बुना ही नहीं, उसको सुंदर कैसे बनाया जाए ये भी उन्होंने बहुत सोचा। तो अदर कलर का ऊन उन्होंने लगा करके ये साइड में किनारी भी दी है, ताकि ब्लैंकेट जो है कन्नू नन्नू को बहुत ही लुभावना सा लगे। इसी के साथ अब बात करते हैं कि कन्नू नन्नू को उनकी मम्मा ने जन्मदिन पे क्या भेंट किया। वैसे तो ये ही सबको भेंट करते हैं, हम इनको करने वाले कोई नहीं होते, बट एज ए माई सन, मेरे बच्चे हैं जिस तौर पर, और जैसे कि बच्चों को मैंने आपको पहले भी कहा था कि चांदी का कुछ ना कुछ बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहिए, तो उसके चलते मैंने देखा है कई लोग करने भी लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, जो अच्छी चीज है कहीं से भी हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने कन्नू के बर्थडे पर कन्नू को बैंगल और पायल बनवाए थे, और नन्नू के भी बर्थडे पर सेम मैंने बैंगल पायल बनवाए थे, थोड़ा सा डिले हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कन्नू का भी 7-8 दिन डिले हो गया था, क्योंकि कई बार है ना ज्वेलर्स टाइम पे बना के नहीं देते। नन्नू का इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन था, तो तब तो लेबर ही नहीं था। तो अब बात करते हैं इस बार मैंने कन्नू के लिए क्या डिसाइड किया था बर्थडे पर देने के लिए। तो मैंने इस बार जो डिसाइड किया था, एक बैंगल किया था, क्योंकि ये अपने पैरों का एक बैंगल तोड़ चुके हैं, तो इनके पैरों के लिए या हाथों के लिए, दोनों में से एक बनवाना है, क्योंकि अभी इन्होंने हाथों में जो है वो पैरों वाले पहने हुए, क्योंकि हाथ पैर के ऑलमोस्ट सेम थे, ऐसे एडजस्टेबल कड़े टाइप खड़ुए जिसे बोला जाता है, मैंने वही बनवाए थे हाथों पैरों के लिए, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, हाथों के तोड़ करके पैरों के हाथ में पहन के बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि हाथों का कुछ बनवाऊं, बट हाथों का अभी मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया, मैंने सोचा छोड़ो मैं कुछ और इस बार बनवा देती हूँ, हाथों का तो कभी भी चलत फिरत में बनवा दिया जाएगा जब भी हत्ते लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बर्थडे पर ही गिफ्ट करूं उसको। तो इस बार मैंने बर्थडे पर क्या गिफ्ट किया मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो कि मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कन्नू नन्नू सबके लाडले हैं, तो भाई कई बार प्यार में या कई बार किसी की जेलसी से भी हो सकता है, बट हम जेलेसी को ना रखते हुए प्यार में ही कह देते हैं, कई बार नजर अपनी माँ की भी लग जाती है, यानी कि मेरी भी लग सकती है कि हाय मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, हाय मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। उसके लिए मैं ये ताबीज लेकर के आई हूँ मेरे बाबू के लिए चांदी के, देखिए
ये छोटे छोटे से सेम ही दो ताबीज हैं, क्योंकि मेरी दी ने कहा था कि इनके गले में आप राइन ऊन बांध दो, क्योंकि कन्नू नन्नू की बहुत सारी फैन फॉलोइंग हो रही है और नजर लगती है इनको, तो उस काम के चलते मैंने सोचा ऐसे वैसे बांधना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ना मैं ताबीज बांध दूं, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी तो बांधते हैं ताबीज में भर के। तो मैंने सोचा चलो चांदी का हो जाए, कुछ सबसे हटके हो जाए, सबसे अलग हो जाए, तो मैं ये लेके आई हूँ। ये कैप से खुल जाता है, अभी मैं इसमें राइन ऊन एक पन्नी में पॉलिथीन में भर के कर दूंगी, अभी मैं वो भी आपके सामने ही करूंगी। उसके बाद मैंने ये बनवाई है तीन चेन, जो कि एक बड़ी है, एक उससे बड़ी है, शायद ये वाली जो है, एक सेकंड, हाँ जी ये वाली चेन है जो सबसे बड़ी है। इसका लॉक काफी हैवी है, शायद ऐसा है लॉक तो कि लॉक ही वो बन जाए, क्या नाम है, लॉकेट। इतना अभी मैंने लॉकेट नहीं बनवाया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं ताबीज इसमें डालूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ताबीज के जो ये कुंदे होते हैं या एडजस्टेबल होते हैं ऐसे खुल जाते, बट ये वैसे ही है। और मुझे ज्वेलर ने बोला कि आप ले आओ चैन, क्योंकि दो अलग अलग ज्वेलर से हुए हैं ये चीजें, तो उन्होंने कहा कि चैन ले आओ, मैं इसको कट करके लॉक को उसको इसमें पिरो करके और फिर इसमें कुंदा लगा दूंगा, जो कि मुझे सही नहीं लगा, कहीं चैन छोटी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, मे भी फिर वो ये बोले, तो इसलिए खाली मैंने चैन ही कर दिया। अब देखते हैं कैसे पिनाए जाते कैसे नहीं। तो ये एक बड़ी चैन है, ये मैं माता रानी के लिए लेके आई हूं, इस पे बॉक्सेस वाला डिजाइन है जो बॉक्सेस में बन के लगता है, और ये उससे छोटी है। ये उससे छोटी चैन है, इन दोनों चैनों में सिर्फ और सिर्फ 1 इंचेस का फर्क है, ओनली 1 इंचेस। और ये एक और चैन है जो कि नन्नू के लिए स्मॉल सी है, ये उससे थोड़ी छोटी है, तो नन्नू को बहुत छोटी ही आएगी, इसलिए मैंने छोटी ही बनवाई है। बड़ी प्यारी प्यारी सी चैन्स हैं, आप देख सकते हैं डिजाइन। तो ये सिल्वर में है, यानी कि चांदी में है। तो अब मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने ही, जो मुझे इनको गले में पहनाने है कि मैं ताबीज किस तरीके से पहनाना चाहती हूँ इनको, देखते हैं भाई किस तरीके से पहनते हैं बाबू। बाकी बाबू के बाबू जाने, बाबू की हर चीज अलग अलग एडजस्ट होती रहती है। तो मैंने ये लिया है एक कटर, और जिसमें चेन्स आई थी वो पॉलिथीन, अब मैं इसको कट कर रही हूँ, और मुझे इसमें से बनाने हैं दो लॉकेट में भरने के लिए राइन ऊन के ताबीज पॉलिथीन में, इसलिए ताकि कन्नू नन्नू अगर नहाते हैं तो नमक जो है वो खराब ना हो जाए। तो ये मैंने ली है राई, ये मैंने लिया है नमक अपने बच्चों की नजर उतारने के लिए। अगर हम राइन ऊन भर करके बच्चों को पहनाते हैं तो उससे बच्चों को नजर नहीं लगती और मैक्सिमम घर वालों को लग जाती है, क्योंकि जब कन्नू नन्नू कोई भी मिलने आता है या कोई भी देखता है वो काफी खुश हो जाता है इनको देख करके। तो मैं नहीं चाहती कि अच्छी बुरी कैसी भी नजर मेरे बाबू को लगे, और क्योंकि मेरी दी ने भी कहा है और दी की बात तो भाई सर्वोपरि है, तो वो मुझे फॉलो करना बनता है, क्योंकि दी ने मुझे काफी दिन पहले बोला हुआ था कि शिवानी पहना दो बाबू के गले में, तो मैं सोच रही हूँ कि बाबू के गले में पहना दिया ही जाए। मैं इसको अगर गांठ लगाती हूँ तो गांठ तो ये नहीं हो पाएगी, बाकी मुझे लग रहा है ये भी मैंने ज्यादा ही भर दिया, चलो छोड़ो थोड़ा थोड़ा सा भरते हैं, क्योंकि इसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि काफी छोटा सा ताबीज है, बहुत ही छोटा है। एक और भरते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने काफी सारा ही भर दिया, तो ज्यादा ही नजर से बचा दूंगी बाबू को। तो बिल्कुल 2-4 दाने राय के, और बिल्कुल 1/2 इंच मैंने लिया है नमक, अब ये सेट हो गया है भरने के लिए। अब मैं इसकी एक पुड़िया जैसी बना देती हूँ, फिर हम इस ताबीज में इसको प्रेस कर करके भर देंगे, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को नजर से बचाना है। ये देखिए बिल्कुल सेट हो गई। मैंने लिया क्रोशा, या आप कोई पेन वगैरह भी ले सकते हैं अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं अपने बाबू के लिए। वैसे तो मुझे लगता है बाबू के लिए हमें वो हर अटेम्प्ट करने चाहिए अगर हम बच्चा मान के लाए हैं, जो कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं।
तो ये मैंने लगा दिया इसका कैप अच्छे से, आई थिंक अभी खुलने का नहीं है। मैंने एक ताबीज में भर दिया है, अभी एक में भरना बाकी है, उसको भी मैं खोलती हूँ क्योंकि ये एक साइड से ओपनेबल होता है और एक साइड से नहीं होता ओपन, तो मुझे ये देखना है कि कौन से साइड से ओपन होगा। तो इस साइड से ओपन हो रहा है, इसमें भी मुझे सेम करना है, थोड़ा सा राई, पांच भर नमक, और मुझे इसका भी मेरे बाबू के लिए लॉकेट बनाना है। एक चैन हम माता रानी के गले में डाल देंगे, इसमें से एक भाई हमारे कन्नू के गले में डल जाएगी और एक हमारे नन्नू के गले में डल जाएगी। तो इस तरीके से शायद ये अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ है, मैं नहीं चाहती पूरा डाइनिंग पे यहाँ पर कचरा कचरा ना, नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट डन हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरीके से बाबू को पिनाऊं चैन, शायद ये कन्नू वाला है ये वाला, मुझे साइज नापना पड़ेगा क्योंकि इसमें से एक चैन थोड़ा छोटा है और एक चैन थोड़ा सा बड़ा है। यही है कन्नू वाला चैन, तो आप सबके सामने कन्नू को कन्नू का बर्थडे गिफ्ट पहना दिया गया है जिसमें कि ताबीज नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ताबीज का हम अभी एक और जुगाड़ करते हैं। ये नन्नू है, नन्नू को भी हम पहना देते हैं, लॉक अच्छे से टाइट कर देती हूँ इसके, लॉक एक्चुअली ज़्यादा ही हैवी है। नन्नू मेरे बच्चा ने वैसे ऑलरेडी बहुत कुछ पहना हुआ है, एक सेकेंड मुझे सब कुछ निकालना होगा इनका। इनके एक्चुअली तुलसी माला बहुत मोटी है, जबकि मुझे पतली लेके के आनी थी, लेकिन शॉप वाले के पास में पतली माला थी नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि कभी ना कभी इनके लिए पतली सी माला मिल जाए जो कि इनके कपड़ों के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर रहने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बाबू ये भी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं। ये भी मैंने चांदी में करवाए हुए हैं, चंदा सूरज और हाय, ये भी मेरे बाबू को नज़र से बचाने के लिए, क्योंकि प्यारे प्यारे बाबू को नज़र भी लग जाती है। और ये चैन जो कि दोनों के लिए ही बनवा दी मैंने लगे हाथों, क्योंकि छोटी चैन मिल नहीं रही थी तो मैंने बड़ी चैन में से कट करा करके बनवाया है। मैंने बड़ी चैन खरीदी, उसमें से कट करवाया है। अब करते हैं इसका जुगाड़ कि इसका हमें क्या करना है। तो मैंने ये लिया है ऊन ब्लैक कलर का, आप धागा भी ले सकते हैं ब्लैक, मैंने अभी ऊन लिया है फिलहाल क्योंकि मेरे पास अभी ब्लैक धागा नहीं है और मैं मार्केट गई थी तो लाना मैं भूल गई हूँ। तो मैं अब इसको एक क्रोशिया का जैसे चेन बना दे रही हूँ टाइट टाइट, आप हाथ से भी बना सकते हो ऐसा गुथ के, आपकी मर्जी होती है आपको कैसे करना है। तो इतना समथिंग मैंने बुन दिया है, थोड़ा सा और मैं इसको बुन देती हूँ। तो इसको हम लंबा सा कट कर लेते हैं क्योंकि आगे भी इसको बुनना पड़ सकता है। यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया, मैं सुंदर सा ताबीज बनाना चाहती हूँ। 6-7 से डल जाएगा मेरे बच्चे के गले में, तो मैं इसको यहाँ से नॉट लगा देती हूँ। तो हम क्रोशिया के हेल्प से खींच लेंगे,
अच्छा करती हूँ। ये प्यारा से एक काबिज बन गया मेरे बाबू को नजर से बचाने के लिए। आप लोग भी सोचेंगे कि दी कितनी चीजें पहनाने वाली है बाबू को, गला वैसी भर देती है। ये सेम चीज मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम कितना पहनाओगी, सब कुछ भर देती हो, इतना भर देती हो, बट मैं क्या करूं बाबू, है ना, मन ही नहीं करता कि कुछ ऐसा करूं। अब हाथ में तो बाबू के बांधा नहीं जाएगा क्योंकि इतना छोटा आता है नहीं। अब हम एक और बना देंगे, एक और मैं बना लेती हूँ। तो ये मेरे नन्नु के लिए, देखे नन्नु पहन लेगा। हाँ तो ये हुआ मेरा कन्नू नन्नू का, सॉरी कन्नू के बर्थडे पर कन्नू और नन्नू के लिए गिफ्ट। क्योंकि मैं सोच रही थी चलो कोई ऐसी चीज तो बची नहीं कि जो सॉरी दोनों के लिए अलग अलग बने, क्योंकि मैक्सिमम पता क्या होता है कि अगर मैं चेंज वगैरह करवाती तो मे भी हो सकता है कि अलग अलग डिजाइन्स हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती थी। तो अलग अलग डिजाइन ना हो इसलिए मैंने एक साथ बनवा दिया। तो आपको हमारा प्यार कन्नू नन्नू को हमारा प्यार करने का तरीका कैसा लगा, हमारा प्यारा सा गिफ्ट कन्नू नन्नू के लिए कैसा लगा, प्यारा सा तोहफा एक माँ की केयर आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।